जनपद पंचायत कसरावत के अंतर्गत ग्राम पंचायत काटकूट के ग्राम चिलचलाए में प्रधानमंत्री आदर्श पंचायत योजना के कार्यों के सर्वे हेतु बैठक आयोजित की गई। शासकीय प्राथमिक शाला भवन चिलचलाए में आयोजित की गई शासन की अति महत्वपूर्ण योजना में जनपद पंचायत सीईओ बैठक में मौजूद रहे। वहीं जनपद पंचायत की ओर से बीडीओ, शिक्षा विभाग की ओर से अनिल शर्मा और संतोष सिंह सोलंकी समेत करीब 27 विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। सूचना नहीं मिली आपको? नहीं, आपको मिली है? सरपंच भी नहीं दी? कुछ नहीं दी। जनपद की तरफ से कोई सूचना? नहीं नहीं दी। गांव के चौकीदार वगैरह कोई नहीं दिए, कोई नहीं दिए। आपकी क्या समस्या है? समस्या है नहीं। क्या समस्या? लेटरिन का पैसे नहीं मिले है। कोई फॉर्म आवेदन वगैरह की थी, शिकायत वगैरह? नहीं, कभी नहीं। आज पहली बार आवेदन। कितनी मतलब आवेदन? 3-4 चक्कर दिए। तब तक कोई निराकरण हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपसे पैसे मांगे क्या? हाँ, पैसे मतलब क्या है? सब सामने वाले ने 2-2 हजार रुपए दिया, जब उनके खाते में पैसे डाले और मेरे से मांग रहे थे, मैं कहाँ से दूंगा गरीब इंसान। तो हमने कुछ लोग आए थे यहाँ पे, उनको पूछा कि कार्यक्रम क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ग्राम जो मतलब कि वो क्या वो योजना है ना, उनको फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत मतलब आदर्श ग्राम को बनाना है मतलब उनको, ठीक है। तो हमने पूछा भैया कि आपने मतलब सूचना क्यों नहीं दी गाँव में और ढूंढे क्यों नहीं पेटवाए? तो बोले कि हमारे पास कोई लेटर वगैरह कुछ नहीं आया है, बस एक कर्मचारियों की बैठक है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जब आपको आदर्श ग्राम बनाना है तो गाँव में क्या क्या समस्या है, ये गाँव के लोगों को भी एकत्रित करके पूछना चाहिए। भाई आप आदर्श ग्राम किसको बनाओगे, ग्राम में क्या समस्या है, ये किसी को पूछा आपने क्या? भाई आप कर्मचारियों को क्या पता कि गाँव में क्या समस्या है? कर्मचारी बैठक ले रहे हैं। नहीं पूछा? हाँ, किसी को सूचना नहीं दी उन्होंने? किसी को सूचना नहीं दी, ना तो कोटवार के द्वारा दी गई है, ना ग्राम पंचायत के द्वारा दी गई है। ग्राम की कोई समस्या वगैरह है? ग्राम की बहुत सारी समस्या है। क्या क्या समस्या? एक समस्या है कि यह जो यहाँ पे जो नई बस्ती है नयनगर, ठीक है, यहाँ से जो लोग बच्चे स्कूल आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लोग स्कूल आते हैं, बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे मतलब कीचड़ बहुत है, ठीक है। अभी तक कोई संबंध में 2 बार शिकायत भी की है हेल्पलाइन में, सिविल हेल्पलाइन पे, लेकिन अभी तक कोई शिकायत निराकरण नहीं हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जो ट्यूबवेल की हुई है, ठीक है, उसमें अभी तक ना तो ट्यूबवेल में मोटर डाली हुई है, मोटर ने डाली हुई है, और सरपंच के जो पर्सनल कुआ है उनसे पानी दिया जा रहा है, तो या तो इसमें मोटर डाली जाए या कुएं को सरकारी घोषित किया जाए। और अच्छा, ये ट्यूबवेल सरकारी है क्या? ये ट्यूबवेल सरकारी है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ये ट्यूबवेल सरकारी है। और उसके बाद जो मांगली भवन आजा समाज का बना है बेड़ीपुरा पे नया नगर में, वहाँ पे कोई लाइट की सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना ही कोई सामने कोई दालान अच्छा बना हुआ है। वहाँ देखे लेटरिन भी पूरी कैसी है, वहाँ पे कोई समस्या मतलब पूरी, और पानी में छत भी गलता है वहाँ पे, मतलब ये मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने काम किया है। कब बना था ये मांगली भवन? मांगली भवन को करीबन 2 साल हो गए, उसके बाद भी गल रहा है वो। उसके बाद भी गल रहा है वो, और वहाँ पे सुविधा ही देखिए आप, ना तो लाइट है ना पानी है, और उसके बाद लेटरिन भी बनी वहाँ पे,